सबसे भ्रष्ट नेताओं को ईडी और सीबीआई से डरा के या पैसों का लालच दे के दूसरी पार्टियों से तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, क्या मोहन भागवत जी उनसे सहमत हैं? मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, अमित शाह जी ने खुद कुछ दिन पहले जिनको भ्रष्टाचारी बोला, भारतीय जनता पार्टी ने खुद जिन लोगों को कुछ दिन पहले भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, हम इनको जेल भेजेंगे। 27 जून 2023 और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उनको अपनी सरकार में शामिल करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कुछ शर्म आती है? चलो हम तो सारे के सारे खराब हैं, पर आपका प्रधानमंत्री 27 जून को जिस आदमी पे 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है और 5 दिन के बाद 2 जुलाई को उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना लेता है, क्या मुंह दिखाते हो यार? जब अपनी गली में अपने घर जाते हो आप लोग, पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे कि ऐसी पार्टी में आप लोग हो? 22 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी एक वो निकालती है असम के अंदर, उसमें कहती है कि हेमंत बिश्व शर्मा बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, 22 जुलाई 2015 को, और 1 महीने के बाद 23 अगस्त 2015 को उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ऐसे 25 नगीने हैं मोदी जी के, हीरे हैं जो चुन चुन के मोदी जी ने दूसरी पार्टियों से इकट्ठे किए हैं। ये मोदी जी के बहुत करीब हैं, चुन चुन के वो दूसरी पार्टियों से लेके आए, उनके ऊपर जितना कचरा था गंद था सारा साफ किया मोदी जी ने, सारे केस उनके धोए। अजीत पवार एनसीपी के होते थे, इनके ऊपर इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के नेता थे, सीबीआई का केस था, ईडी का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, अपनी पार्टी में शामिल कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रताप सरनायक शिवसेना का नेता था, इस पे ईडी का केस था, ईओडब्ल्यू का केस था, दोनों केस बंद करवा दिए मोदी जी ने, आप इस बीजेपी में शामिल कर लिया। हेमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस का नेता था, सीबीआई का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हसन मुशरफ एनसीपी का नेता था, ईडी का केस था, ठंडे बस्ते में डाल दिया, मोदी जी ने इसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। भावना गवाली शिवसेना की नेता थी, ईडी का केस था इस पे, यामिनी और यशवंत यादव शिवसेना के नेता थे, ईडी का केस था, इनका केस ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीएम रमेश, रविंदर सिंह, संजय सेठ, शुभेंदु अधिकारी, के गीता, शोवन चैटर्जी, छगन भुजबल, कृपा शंकर सिंह, दिगंबर कामत, अशोक चौहान, नवीन जिंदल, तपस रे, अर्चना पाटिल, गीता कोड़े, बाबा सिद्दीकी, ज्योति मिंडा, सुजाना चौधरी, ये इनकी ईमानदारी है, ये जीरो टॉलरेंस है, शर्म नहीं आती लाल किले के ऊपर खड़े होकर पूरे देश को बेवकूफ बनाते हैं, कहते हैं ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 25 नगीने हैं, वो पहले नवरत्न होते थे अकबर के जमाने में, अब ये 25 रत्न है प्रधानमंत्री जी के, जिनको मैं आरएसएस के अंदर कई ऐसे लोग हैं प्रचारक कहते हैं उनको, जिन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो आरएसएस को दी है। वो जब घर घर जाते होंगे क्या कह के वो जनता का सामना करते होंगे कि जिस आदमी को प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, सारे बीजेपी वाले आरएसएस वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको भेजा लोगों को कि 70,000 करोड़ का घोटाला, आज प्रधानमंत्री ने 5 दिन बाद उसको अपने यहां शामिल करके उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, क्या शक्ल दिखाते हैं ये लोग? मैं पूछना चाहता हूं सारे आरएसएस के कार्यकर्ताओं से, मैं पूछना चाहता हूं सारे बीजेपी के नेताओं से कि कैसे आप लोग अपनी गली अपने मोहल्ले के अंदर जाते हो।
और मैं आरएसएस वालों के ऊपर ज्यादा दया आती है, उन्होंने कईयों ने अपनी जिंदगी आरएसएस के लिए दे दी और अब उनका एक ही उनको अब टिकट नहीं मिलती। कांग्रेस वालों को इसको उसको लाला के टिकटें देते हैं, उनका काम दरी बिछाने का रह गया बस। कभी कांग्रेसियों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी एनसीपी वालों के लिए दरी बिछाते हैं, कभी शिवसेना वालों के लिए दरी बिछाते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं का काम अब केवल दरी बिछाने का रह गया, कभी इस नेता के लिए दरी, क्यों उनको टिकटें मिलती नहीं मिलती उनको। इसके अलावा इन्होंने कई सरकारों की चोरियां की, टॉपल किया, सरकारों को उखाड़ के फेंका। मार्च 2016 से लेके मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 13 राज्य सरकारों को 15 बार गिराने की कोशिश की और उसमें से 10 सरकारों को गिराने में सफल हो गए। ये सरकारें नहीं गिराई, ये सरकारों की चोरी की है। ईडी और सीबीआई को भेज के, उनको धमकी देके, उनको लालच देके, पैसे से खरीद के उनकी सरकारों की चोरी की है इन लोगों ने। ये कोई मामूली वो नहीं है कि सरकार गिरा दी। उत्तराखंड में मार्च 2016 में इन्होंने 9 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के और हरीश रावत की सरकार गिराई। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में 33 पीपीए के 43 में से 33 एमएलए तोड़ के वहां पे सरकार गिरा दी, वहां सरकार बना ली। गोवा में जुलाई 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला मार्च 2017 के रिजल्ट्स में, नतीजन इन्होंने 12 कांग्रेस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। कर्नाटक में 2019 में इनको बहुमत नहीं मिला, इन्होंने 17 कांग्रेस के और जेडीएस के एमएलए तोड़ के सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में 2020 में इनको बहुमत नहीं मिला और इन्होंने 22 एमएलए तोड़ के, ये बहुत सारे केस हैं, 10 सरकारें तोड़ के इन्होंने सरकार बना ली और आज इन्होंने एमसीडी के ऊपर गलत तरीके से कब्जा कर लिया, एमसीडी की चोरी कर लिया आज इन लोगों ने। मैं मोहन भागवत जी से मैंने यही चिट्ठी लिखी थी कि क्या राजनीति में शुचिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आरएसएस ने अब खुलेआम कह दिया भाई जो मन में आए करो, आरएसएस ने खुली छूट दे दी है बीजेपी को। यही मैंने मोहन भागवत जी से पूछा था